प्रणाम महाराज, इस शांति दूत का प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम पितामह। हे महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं और जानते हैं कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं जिस पर वाद विवाद चले। शांति तो जीवन की आवश्यकता है महाराज। निसंशय है गुणवान वहां सब राज घरानों में कुरुकुल, लहराती करुणा का वो बस वो सत्यशील। इस राजसभा में आज गंगा पुत्र भीष्म जैसे महात्मा उपस्थित है, कृप और द्रोण जैसे आचार्य विराजमान है। हे महाराज, योद्धाओं की ये भीड़ जो आज इस राजसभा में है वो कदाचित संसार की किसी और राजसभा में नहीं है महाराज, और इसलिए इस राजसभा का दायित्व भी संसार कल्याण में सबसे अधिक है महाराज, सबसे अधिक। महाराज, यदि युद्ध हुआ तो ज्ञानियों, महात्माओं और योद्धाओं का यह जमघट बिखर जाएगा महाराज, निसंशय बिखर जाएगा। हे महाराज, आप भरत के वंशज हैं, आपके पास इतिहास की धरोहर है, मर्यादाओं का निक्षेप है, इतिहास की थाती है महाराज। आप न्यायधारी हैं महाराज, और आप जैसे न्यायधारियों के होते हुए न्याय का अपभंग नहीं होना चाहिए महाराज, न्याय का अपभंग नहीं होना चाहिए। इसलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, आप इस कुल के आधार स्तंभ न्याय हो, सच में नायक हो, दिखलाने वाले सही रहा, दिग्दर्शक सबके रक्षक हो। फिर क्यों महाराज अधर्म, क्यों लोग बैर, और ये विश्लेषण कहलाते। हे महाराज, क्यों झूठ कपट की हवा चली, दुर्दिन के बादल मंडराते। हे महाराज, कौरव कुल पर संकट छाया, पूरा कुल नाश करेगा वो, चाहो तो निवारण हो जाए, क्या है नहीं संभव ऐसा हो। हे राजन, सब कुछ हम पर और तुम पर ये समझना है हमको, आप रोकिए अपने पुत्रों को। मैं वचन देता हूं महाराज, मैं निसंशय रोकूंगा पांडव दल को। कौरव पांडव यदि संग निसंग होंगे तो बल के साथ होगा विवेक। हे दुर्योधन, क्या तुम्हें छेड़ने का साहस कर पाएंगे मिलकर अनेक। हे महाराज, पांडवों की जीती सारी धरती पर अधिकार दुर्योधन का ही होगा, तुम एक छत्र सम्राट, भला इससे बड़ा क्या सुख होगा महाराज, भला इससे बड़ा क्या सुख होगा। है युद्ध एक भयंकर दावानल जिसमें मानवता है जल जाती, पेड़ों की बातें कहे कौन, जड़ भी तो कोयला बन जाती। हे महाराज, है युद्ध मरण का नाम, अन्य मरण क्या लाभदायक होगा, मर जाए समर में कौरव या पांडव, महाराज किसका हित होगा। क्या आप अपनी इस वृद्धावस्था में अपने पुत्रों या पांडव पुत्रों का शव उठाने के लिए सज्ज है महाराज, क्या आप सज्ज हैं। जब पिता पांडवों को छोड़ गए तब पांडव बिल्कुल बच्चे थे,
जिसने दी उन्हें छा सदा महाराज वो और कौन तुम ही तो थे। चलना सीखे उंगली पकड़े तार, क्या वो उंगली तुम्हारी नहीं थी? अरे जिस गोदी में खेले थे वे वो एक पिता की ही तो थी। पांडव ना आज तक भूलेंगे, इसलिए शर्त पूरी करके लौटे हैं 13 वर्ष बाद वन से, ये आशा रखकर के अवश्य लौटा देंगे उनका राज्य आप। ये हाथ जोड़कर कहते हो। स्वर्ग का भी राज्य यदि पांडवों को मिले तो नहीं लेंगे वो। ले लेंगे सनातन धरती का टुकड़ा तक यदि मिले धर्म से। मुझे तो लगता ये धर्म मार्ग और यही सत्य का है आग्रह। मेरा तुमसे कहना है ओ पिता, पिता की तरह चलो, स्वयं न्याय मार्ग पर चलो और सबको लेकर साथ चलो। जीने की सबसे बड़ी शर्त जियो, सबको जीने भी दो, पाओ उतना जितना अपना, औरों को उनका हक भी। हे महासभा के धर्मगियों, जब जब अधर्म से हारता धर्म हुआ कमजोर, तभी सत्य को मारता असत्य ही पुरजोर। यदि नहीं निकालोगे हृदय से धर्म वक्ष का तीर, सभासदों के हृदय को चाहेगा वो चीर। धर्मगियों की सभा में यदि अधर्म का रंग, डूबेगी ये सभा भी सभासदों के संग। तट पर स्थित हर वृक्ष को नदी करेगी नाश, करता तटस मनुज का घायल धर्म विनाश। हे महाराज, शांति कभी असंभव नहीं होती, और शांति में ही भरत वंश, भारत वर्ष और इस समूचे संसार की भलाई है। महाराज समूचे संसार की भलाई है, और मुझे यही आशा है कि महाराज अवश्य शांति पर ही विचार करेंगे। हे महाराज, अब आप ही विचार कीजिए और बताइए जो उचित हो। यही था मेरा शांति प्रस्ताव।